जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या कर रही हैं? बस यार आज बहुत समय मसरूफ। ओए होए 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 होए, क्या बात है जी, क्या बात यार, आज साग बना रही हूं। देखो आज तो साग बन रहा है जी। ओए होए मम्मा का स्टाइल चेक करो रोटी बनाने का, क्या बात है। गोल मटोल रोटी, ये देखो गोल मटोल जी, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त यार, कमाल कर दिए मम्मा जान। थैंक यू सो मच। बड़ी कीमती चीज आ गया। हाय 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 हाय, लस्सी मम्मा यार, आपने लस्सी बनाई है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे लाइफ में। चले जी, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे, आमीन। और यार सबसे पहले यार तुम लोगों को किचन का टूर कराते हैं, चलो। और किचन में जाने से पहले यार आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैंने करनी है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि प्लीज यार मेरे चैनल मिस्टर समी व्लॉगर को जल्दी से जाके करो यार सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आप लोगों ने। तो चलो फिर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? क्या कर रही हैं? बस यार आज बहुत समय मसरूफ। ओए होए 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 होए, क्या बात है जी, क्या बात यार, आज साग बना रही हूं। देखो आज तो साग बन रहा है जी। इतने दिन हो गए शादियां खा खा के, तो अब दिल भर गया। हां जी, तो बस आज दिल कर रहा था कि यार साग चाहना चाहिए। इसके साथ मक्खन होगा? रोटी में नहीं, कर लेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह, कोशिश देखेंगे। नहीं मेरे को चाहिए, देसी घी तो होगा ना, मक्खन शक्खन की तो बात नहीं मैं करती, क्योंकि गैस चांस हमारे घर में नहीं है। अच्छा, देसी घी तो इंशाल्लाह जरूर होगा। ओए ओए ओए, चलो हाँ। वो भी गुड है यार, देसी घी भी गुड है, अच्छी बात है। देसी घी का तड़का लगा के दूंगी। हाय 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 हाय, साग साग, क्या कर रही हो? मैंने आपको कितनी दफा मना किया कि मोबाइल ना देखा करो, अभी स्कूल से आई और आते साथ इसने मोबाइल पकड़ लिया, कोई तमीज है कि नहीं आपके अंदर? पता नहीं यार, ये बच्चे एक तो सुधरते नहीं, मैं इनको कह रहा हूँ कि यार मोबाइल कम यूज किया करो, नहीं मोबाइल हमने सही यूज करना है। यार मम्मा ये क्या यार, आप इनको समझाती क्यों नहीं है? यार मैं आज थोड़ी समय मसरूफ थी। ओए होए 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 होए, फाइनली गाइस यार 2-2.5 घंटे के बाद साग बन चुका है, और ये देसी घी है, ये वाला, ये देख रहे हो, ये देसी घी है, ये देसी घी मामा ने डाला है इसके अंदर, इसको अच्छे तरीके से तड़के लगा के ना, बड़ा ज़बरदस्त। और अभी ऊपर से, और अभी मामा ने जना सा ऊपर से धनिया डाल दिया भाई जान, मज़ा मामा ने यार दोबारा कर दिया, सही बात है, तड़के छड़के लगाए मामा ने सही करके। और मामा क्या क्या कुछ डाला यार? ये नमक डाला है, और उसके बाद मैंने 2 घंटे हो गए तकरीबन इसको सही बना रही हूँ। अच्छा। गोट गोट के सही मलाई की तरह बन गया माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन बने, सही बात है। अभी जब ये रोटी के साथ खाएंगे ना हम, इसका जो टेस्ट होगा ना, मैं कहता हूँ खीर लेवल होगा। अभी मैं तुम्हें खाने से पहले बता रहा हूँ, जिस खाना खाएंगे उस वक्त पता नहीं क्या हाल होगा मेरा, अभी तो मुँह में मेरे ऐसे सैलाब आ रहा है सैलाब। समी जो आपकी थी ना, देसी घी के साथ रोटी चोपड़ी दी रोटी। अच्छा क्या बात। अच्छा पहले मम्मा क्या होता था कि जब लस्सी होती थी, लस्सी दोपहर के टाइम भी लस्सी, कच्ची नहीं सही वाली लस्सी। क्योंकि गांव में इतना माशाल्लाह गायें भैंसे सारा कुछ होता था, दही होता था खुला, क्या बात है, क्या मक्खन फ्रेश, दही फ्रेश, हर चीज फ्रेश। वो मामा आपने देखा नहीं है कि उस टाइम के लोगों के अंदर मतलब वो जो है ना सही, मतलब
ताकतवर होते थे और कितने कितने काम अकेले कर देते थे, कितने कितने एकड़ों पे जनाब साहब जो है ना वो खेती बाड़ी और ये सारा कुछ, तो ये अमीन ही वो लोग कर लेते थे। और जो हमारे जो बड़े बड़े नाना थे ना, क्या नाम था दादा, वो ताया जान हाँ, हमारे ताया जान वो माशाल्लाह सही पावरफुल थे, सही ताकतवर, खाना पीना उनका सही, मतलब उनका ना पूरा जिस्म बहुत जबरदस्त था, सही बात है। और मामा कितनी कितनी रोटियां खा जाते थे, रोटियां के तो ना पूछे माशाल्लाह जान भी ठीक ठाक थी ना। नहीं मामा 20-25 रोटियां खा जाते थे, वो तो यही बात होती थी ना कि बस रेस लग गई या किसी के साथ मुकाबला, मतलब मुकाबले लगा और बस उन्होंने इतनी रोटियां खा ली या कुछ कर लिया। हाँ, तो मतलब यह है कि उस वक्त दौर की एक बात है ना कि यार आज के बच्चे को तुम कहो ना कि यार तुम 3 रोटियां खा रहे हो, 2 रोटियां खा रहे हो, तो उसको मौत पड़ जाती है। लेकिन तब के लोग जो है माशाल्लाह हेल्दी रहते थे और कनक होती थी अपने अपने घरों की, तो वो जनाब साहब रोटियां भी बहुत जबरदस्त बनती थी, मजा आ जाता था। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा चलो मम्मा और क्या नाम है ऊपर छत के ऊपर धूप के अंदर बैठ के खाएंगे, फिर ज्यादा मजा आएगा। धूप है, देख क्या तुम्हें अभी गए नहीं तो पापा क्या कह रहे थे। पापा पापा ने हमने तो कुछ नहीं कहा, पापा कहते आप भी खाना खाओ मैं भी खाना खाता हूँ। अच्छा चलो अच्छी बात है, चलो यार अब जल्दी से जाके देख आते हैं धूप धूप है नहीं ऊपर या क्या सीन है। भाई जान धूप यार धूप है, मतलब ये वाली जगह है सामने वाली साइड पे ना, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ना हम लोग वो क्या कहते हैं इसको चरपाई वगैरह डाल के या और कुछ कारपेट शारपेट डाल के ना यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो बैठ जाते हैं यार जितनी है बस चुप करके खा लेते हैं यार। आज बस मैंने ना वो वाली फील, गाँव वाली फील मैंने आज मेरा लेने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तुम लोग को यार एक चीज़ दिखाता हूँ, चलो सबसे पहले नीचे चलते हैं। मम्मा का स्टाइल चेक करो रोटी बनाने का, क्या बात है, गोल मटोल रोटी, ये देखो गोल मटोल बिल्कुल। समी दिल कर रहा कि इसको फैंटी लगाती जाऊं लगा ले वैसे भी तो मम्मा आप लगा ही रही है ना यार। फिर बच्चे कहते हैं मम्मा इतनी बड़ी रोटी बना दी है, मैंने कहा पेड़ा उतना ही है बेटे, पेड़ा उतना ही है ये बस ठंडा हो जाता है। हाँ वो क्या नाम है तफे ज्यादा फेंकने बस बाकी यार गोल मटोल रोटी, ये देखो गोल मटोल गोल मटोल जी। तो गाइस यार अभी मैं ऊपर आया हूँ, मैंने कहा चलो यार ऊपर जाके मैं तब तक बिछाता हूँ कारपेट वारपेट, तब तक बिछाते हैं और उतनी देर में खाना वाना भी बन जाएगा। और उसके साथ मैंने मम्मा को एक और फरमाइश की है, अब वो जब बनेगी ऊपर आएगी फिर आप लोगों को दिखाएंगे। सबर यार एक मिनट जी गाइस, चलो जी गाइस यार फाइनली यार हम लोगों ने बिछा दी है इस वक्त कारपेट और अभी शाल आ गया। छोड़ दिया मोबाइल, शुक्र है, दोबारा पकड़ लूंगी तो मैं पापा को भी बताऊंगा फिर। तू देखिए मैं तेरा करता क्या हूँ, यार ये सुनती नहीं है यार किसी की बात, रात को भी सुबह भी हर टाइम मोबाइल 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 मोबाइल, कितनी गलत बात है, ड्रामेबाजी बनाई हुई है। पापा को भी पुत्र वो तीन डांटते थे, पापा नहीं कहते थे कि मोबाइल ले लो, झूठ बोलती है झूठ बोलती है तमीज नहीं है। क्या हुआ है, क्या हुआ है, है? क्या हुआ है, अरे हुआ क्या है पागल इंसान, हुआ क्या, क्या हुआ है पता नहीं यार इसको क्या हो गया, एक मिनट के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है इसको। A few moments later, माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त यार कमाल कर दिया मम्मा जान, थैंक यू सो मच, क्या बात, बड़ी कीमती चीज आ गया, हाय 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 लस्सी मम्मा यार आपने लस्सी बनाई है, थैंक यू जी थैंक यू सो मच यार मम्मा जान आपने लस्सी बनाई है और बहुत अच्छा लगा मुझे यार, मेरे दिल बाग बाग हो गया।
धूप के अंदर बैठ के खाएंगे। और चलो यार अब जल्दी से ना प्लेट्स के अंदर डालना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या बात है जी उस्ताद जी। ओए होए होए सुभान अल्लाह सी डाल के दें यार। मामा ने तो जनाब अपनी प्लेट ऐसे भरी है जैसे बंदा सबर कर जाता है। पहले लस्सी वस्सी देता है बंदा यार, चलो लस्सी शस्सी हम पी लेते हैं। ले यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओए होए 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 क्या बात है जी सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह। ओए होए नमकीन लस्सी जबरदस्त। अच्छा रहमान रहीम गर्मा गर्म रोटी और साथ साग यो लो खैर बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह जी। क्या बात है जी। टेस्ट करके बताओ गाइस कैसे है। चलो यार तुम लोग तो नहीं बताओगे, चलो मैं बताता हूँ। मजा आ गया, सही बात है। A few moments later. अभी खाना वाना खा के थोड़ी देर के लिए बाहर आया तो मैंने कहा चलो यार इधर थोड़ा सा धूप शूप सेकते हैं। तो अब सारों से जाके पूछते हैं कि यार तुम लोगों को धूप में मजा आया कि नहीं। हैं? सारे चले गए हैं यार भाई। यार देखो कितनी गलत बात है यार, बता के भी नहीं गए। बंदा दो मिनट सबर कर जाता कि यार एक मिनट उसको आने दो। भाई कबूतरो तुम लोग को बता के गए हैं? हाँ वो भी ऐसे सेरे ला रहे हैं, सेरे ला रहे हैं ऐसे करके। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ही। मतलब कुछ भी। हाँ बता के गए हैं, बता के गए हैं। अभी मेरे जिम्मे ये दोबारा से इन्होंने डाल दिए। कारपेट को फोल्ड करो, फिर उसको अंदर रखो, फिर उसके बाद नीचे आओ। मैं इन लोग को छोड़ता नहीं हूँ, तुम सबर करो। ये मैं बता के नहीं गया। शाल मम्मा यार ये क्या मतलब आप लोगों का तरीका यार, आप लोग बता के भी नहीं आए। शाल की बच्ची रोटी नहीं दे रहे थे अभी तक खाएगी। पता नहीं यार ये पागल लड़की है, पागल है। कभी ये मोबाइल लेके बैठ जाती है, कभी रोटी टाइम पर नहीं खाती। तमाशा बनाया है इसने, मुक्का मारना है। और आप भी बता के नहीं आ सकती थी है, बता के नहीं आ सकती थी। ऊपर क्यों बर्फबारी हो रही थी ना, है ना पागल पागल इंसान। धूप में तो वो तो वो जो ऊपर धूप आ रही थी उसमें तो तुम लोगों ने हीटर लगाया हुआ था वहां पे ना। पता नहीं यार इनकी समझ नहीं आती, ये लोग अजीब लोग हैं। तू तो चुप कर, चुप चुप पागल। मैं थक गई। पागल है पागल है पागल है पागल है पागल है। तुम काम से करो। ओए वैसे हम ओए ओ साईं साईं जी। ओए साईं 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 जी क्या हाल चाल है तुसने? आज लो आज लो। अस्सलाम वालेकुम साईं जी, क्या हाल चाल है? ए जी सलाम करना। आप कौन है? आप कौन है? मैं तेरी किची मरोड़ देनी है एक मिनट के अंदर। तू अजे मैं जानता नहीं है। आप कौन है? कौन है? क्या हाल चाल है? ठीक हो? और सुना है? चुहा चुहा आ जाएगा चुहा जी। गाइस यार अभी ऐसा कोई सीन है कि यार आपका भाई अभी सो के उठ चुका है अगेन से क्योंकि यार आपके भाई ने इतना माशाल्लाह हैवी दोपहर के टाइम खाना वाना खाया तो सबके साथ सारे सो के मैं फिर साथ सो गया। तो बस अभी उठाऊँ, अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं यार। अभी मॉल जाना है मम्मा के साथ, उसके बाद और भी कुछ काम करने वाले इम्पोर्टेंट हैं मेरे। तो बस अभी आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं और यार साथ ही साथ ब्लॉग की एंडिंग भी कर लेते हैं। सो आई होप यार आप लोगों को ये वीडियो ये ब्लॉग जरूर अच्छा लगा होगा। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें और भाई को ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और बाकी यार कमेंट्स के अंदर नहीं भूलना आप लोगों ने। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।